हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का निर्मल देव एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम। सो आज हम लोग टेंथ से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस हैं उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस अप्लाई होते हैं जहाँ पे टेंथ से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन किया है एक्सेप्शन रिगार्डिंग टेंसेस, दैट मीन्स अपवाद, टेंस से संबंधित अपवाद। ये टेंस से संबंधित अपवाद क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ नोट डाउन किया है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होते हुए भी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम सेट टू मी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस फॉर्म में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में है हो तो ये अपने रिपोर्टिंग वर्ब के करिस्पॉन्डिंग चेंज हो जाता था। दैट मीन अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा जिसमें हम लोग चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा? नहीं, नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, इसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं, क्या अपवाद होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ नोट डाउन किया है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। मतलब ये रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस फॉर्म में रहेगा फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। उसके लिए चार ऐसे केसेस होते हैं, देर आर फोर कंडीशंस। वो क्या क्या कंडीशंस होते हैं हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है पास्ट टेंस फॉर्म में क्यों नहीं गिवन हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड। मैंने बोला राम सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। राम सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का किस में गिवन है, पास्ट टेंस फॉर्म में गिवन है, और जबकि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट पे गिवन है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है राइजेस, ठीक है, वर्ब के फॉर्म से हम लोगों ने पता कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में गिवन है। अब क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो राम सेट को टोल्ड में कर देंगे, राम टोल्ड मी, कॉमा को हटाने के बाद कनेक्टिव वर्ड यहाँ हो जाएगा दैट द सन राइजेज। यहाँ पे राइजेज ही होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ की रिगार्डिंग अगर रिपोर्टिंग को पास्ट टेंस फॉर्म में और रिपोर्टेड स्पीच आपका किसी भी टेंसेस में हो तो इसके टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड है यहाँ पे हैबिचुअल फैक्ट, तो हैबिचुअल फैक्ट से रिलेटेड क्या होगा देख लेते हैं। ऐसी कोई बात है जो हैबिचुअल फैक्ट है, इट मीन्स कि वो आदत संबंधी कोई ऐसी फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पास राम सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। राम ने मुझसे कहा कि जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो स्ट्रेंजर, दैट मीन्स अजनबी पे क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है, जो कुत्ते होते हैं वो अजनबी पे भौंकते हैं। तो ये क्या, ये एक हैबिचुअल फैक्ट्स है। सो हैबिचुअल फैक्ट्स अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका हैबिचुअल फैक्ट से बिलोंग कर रहा है या हैबिचुअल फैक्ट जो है आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है तो इसके भी टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा राम सेड टू मी कनेक्टिव वर्ड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच आपका यहाँ पे गिवन है वो किस में गिवन है, वो आपका जो है हैबिचुअल फैक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोवर्ब, थर्ड कंडीशन है प्रोवर्ब।
प्रोवर्ब की कंडीशन में भी आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंसेस चेंज नहीं होता है, तो प्रोवर्ब से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे मैंने बोला कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब दैट मीन्स कहावत है। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रोवर्ब में गिवेन हो, ठीक है, और भले ही आपका रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस फॉर्म में गिवेन हो, फिर भी इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, कनेक्टिव वर्ड यहाँ हो जाएगा दैट, उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका हिस्टोरिकल फैक्ट गिवेन हो, कोई ऐतिहासिक घटना या कोई ऐतिहासिक तथ्य गिवेन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस फिर भी चेंज नहीं होगा। सो ऐसे यहाँ पे फोर कंडीशंस हैं जो कि टेंस जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, इसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा गया है, स्पेशली क्लास ट्वेल्थ में कई बार क्वेश्चंस आया भी है, ठीक है, क्योंकि हम चेंज ऑफ टेंसेस में ये पढ़ते हैं कि अगर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस फॉर्म में गिवन और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा केसेस में, ऐसे चार केसेस में आपको चेंज करने की कोई नीड नहीं होती है। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पास चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब चेंज ऑफ टेंसेस के जितने भी रूल्स होंगे सभी मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। चेंज ऑफ प्रोनाउन को समझने की आपको नीड है, कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, देखिए यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट होती है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन को हम कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं। एज यू नो दैट, सबसे पहले तो आप जान लीजिए प्रोनाउन होता है क्या चीज़ है, सभी को बेसिक पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज़ अ कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। अब आपको पता होगा कि प्रोनाउन के वैसे कई टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ चार्ट बनाया है ये पर्सनल प्रोनाउन का से रिलेटेड ये चार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड चार्ट है, जबकि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का एक काइंड्स होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के तीन पर्सन्स होते हैं, देर आर थ्री पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। चलिए देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, अगर ये चार्ट आपके माइंड में अच्छे से आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आई होप कि आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस बोले या फिर इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोले, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस। इफ यू टॉक अबाउट नॉमिनेटिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, सो आई एंड वी, सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस इज यू, थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इज ही, शी, इट एंड दे। इफ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन आई, अगर हम फर्स्ट पर्सन आई के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हो जाएगा मी, और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस देखें तो यू होगा, और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दे होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पजेसिव केस में, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार प्रकट करना। अगर हम फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस आई का पजेसिव देखें तो माई हो जाएगा, वी का पजेसिव आर हो जाएगा, यू का पजेसिव योर हो जाएगा, ही का पजेसिव हिज, शी का पजेसिव हर एंड इट का पजेसिव इट्स, दे का पजेसिव देयर। ये चार्ट अगर आपको अच्छे से माइंड में आपने ऑब्जर्व कर लिया तो समझ लीजिए कि चेंज ऑफ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन होगा आप बहुत इजीली चेंज कर लोगे। वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज करोगे, एक दो एग्जांपल थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताया हूँ, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रिक यहाँ पे मैंने नोट डाउन रखा है, कर रखा है SON/123, दैट मीन्स SON/123। समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड एन का मतलब होता है नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। यहां पे वन का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन,
दो का मतलब होगा सेकेंड पर्सन और तीन का मतलब होगा यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन का जो रिलेशन होगा वो सब्जेक्ट से होगा, सेकेंड पर्सन का रिलेशन ऑब्जेक्ट से होगा एंड थर्ड पर्सन का रिलेशन नो चेंज से होगा। ये है क्या चीज़, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। आपने तो देख लिया फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को देख लिया कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस कहाँ होता है या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंजेस ये देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और ये जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं और इसको जो है चेंज करते हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पीटर सेड टू मी यू आर लर्निंग your lesson, you are learning your lesson. Peter said to me, you are learning your lesson. आइए देखते हैं हम इसको चेंज करते हैं। आपको पता है कि ये पास्ट टेंस के फॉर्म में है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पास पीटर का, यहाँ पास हो जाएगा पीटर और सेट टू के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन है तो सेट टू किस में हो जाएगा, ये टोल्ड में हो जाएगा और मी का यहाँ पे मी रहेगा। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे आपको दैट ही लगाना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में यहाँ यू आ गया है और यू जो कि क्या है, ये प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। अब ये आपको देखना है कि यू जो प्रोनाउन यहाँ पे है ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो आप यहाँ पे चार्ट में देख पा रहे हैं कि यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब देखिए सेकेंड पर्सन ये टू मतलब सेकेंड पर्सन कहां देखने को मिला आपको, रिपोर्टेड स्पीच में, कहां देखने को मिला रिपोर्टेड स्पीच में। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, मी है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, मी है। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखना है आपको, यू जो यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में यू जो है वो किसका काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब जो यू है अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इसका मी का सब्जेक्टिव केस यहां पे आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस यहां पर आएगा। तो इस चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या है। तो आप देख रहे हैं अभी मी ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, यहां पे आई है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, यहां पे आई है, क्योंकि यू यहां पे सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है इसलिए मुझे यहां पे मी का सब्जेक्टिव केस लिखना होगा, क्योंकि यहां पे यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पे आपको टेंस को चेंज करना होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन है, क्योंकि इस आर के बाद यहाँ पे बब की आईएनजी फॉर्म है। तो आई के बाद यहाँ हो जाएगा आई वॉज लर्निंग। अब यहाँ पे देखो योर है, योर को चेंज करना है तो योर को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है योर क्या है, यहाँ पे एक पजेसिव नाउन है। क्या है, ये पजेसिव केसेस है और पजेसिव केसेस होता है मतलब ये सेकंड पर्सन का ही है, तो सेकंड पर्सन का पजेसिव केसेस है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आई है तो यहाँ पे यू के साथ योर है, यहाँ पे आई है तो आई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ पजेसिव क्या लगता है, माई लगता है। आप इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, कैसे, योर है, योर किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन मतलब मी, लेकिन यहां पे योर किसका काम कर रहा है, योर यहां पर जो है वो पजेशन का काम कर रहा है, पजेसिव केसेस है तो पजेसिव केसेस, यहां मी का पजेसिव केसेस क्या हो जाएगा, तो देखो मी का पजेसिव केसेस क्या है, यहां पे माई है, मी का पजेसिव केसेस क्या है, यहां पे माई है, तो यहां पे क्या हो गया, माई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, लेशन हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो सबको करने हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप इसको कर लेंगे। ठीक है, ये चार्ट आपको लर्न करने की नीड है, माइंड में बिल्कुल आप बैठा लीजिए और ये रूल SON/123। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स।